हेलो चलो करते हैं स्टार्ट। फिर एक असाइनमेंट मैंने आपको दी थी करने के लिए, और अभी मैं प्रिंट नहीं दे सकता, मशीन खराब है मेरी। तो उस असाइनमेंट का क्वेश्चन मैं आपसे वैसे पूछूंगा, आप मुझे उसका आंसर दोगे। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस असाइनमेंट का, उसके अंदर सपोज करो एक इंक्लाइन प्लेन है। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर दो। एक इंक्लाइन प्लेन है एट एन एंगल ऑफ कितना, अल्फा। ये एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, फ्रिक्शन नहीं है। ये ट्रॉली ऊपर एक्सलरेट कर रही है विद ए नॉट। इस ट्रॉली के ऊपर कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है ठीक, सच दैट कि ये एक पेंडुलम इसके ऊपर लटका हुआ है, और वो जो पेंडुलम है वो इसके साथ जो एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज वो पेंडुलम इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। तो लेट अस सपोज ये जो पेंडुलम है इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है ठीक। डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट को, थोड़ा ज़्यादा स्लांट बन गया इसका। सपोज ये इंक्लाइन है, ये ट्रॉली है, एंड लेट अस सपोज ये एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, एंड सच दैट ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ जो एंगल बना हुआ है ये कितना बना हुआ है थीटा, और ये ट्रॉली ऊपर एक्सेलरेट कर रही है विद ए नॉट ठीक। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसका जो मास अगर बॉब का m है, डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन ट्रॉली रोल्स अप अ प्लेन ऑफ द इंक्लाइन अल्फा विद एक्सेलरेशन ए नॉट इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको इसमें मुझे थीटा बताने हैं कितने है। अब ऑप्शन तो मैं आपको नहीं दे सकता, असाइनमेंट नहीं आपके पास, तो आप प्लीज प्रूव करो कि इस केस में टैन थीटा की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए ए नॉट प्लस जी इंटू साइन ऑफ एल्फा, रादर ये जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वो थीटा नहीं है वो एल्फा है, डिवाइडेड बाई जी इंटू कितना कॉस ऑफ एल्फा। ये आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो इसके इक्वल बनेगा, ये क्वेश्चन है ठीक। सूडो फोर्स को लेना है क्योंकि बॉब पीछे जाएगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स एम ए नॉट। तो इसमें आपको टेन थीटा ये प्रूव करना है। टेंशन लो, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, एक एम ए बनेगा। दो फोर्सेस लगेंगी इसमें, एक टेंशन की फोर्स बनेगी, एक इसका वेट का कंपोनेंट बनेगा, तीसरा सूडो फोर्स का कंपोनेंट बनेगा। आप शुरू करो।
देखो इसमें सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ किया, टेंशन टी, टेंशन टी हो जाएगी यहाँ पे, इसके पैरेलल कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो टी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा कितना टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा कितना टी साइन थीटा, तो एक हो गया टी कॉस थीटा, एक हो गया टी साइन थीटा। सूडो फोर्स, क्योंकि ट्रॉली ऊपर जा रही है तो इसकी सूडो फोर्स एग्जैक्टली इसके पीछे एक्ट करेगी कितनी, एम इंटू ए नॉट, तो सूडो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। इसका जो वेट एक्ट करेगा बॉब का वो कहाँ एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा, कितना एम जी, और अगर ये एम जी ये एल्फा तो ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है प्लीज, ये लाइन अलग है और ये वेट अलग है, तो ये एल्फा तो ये भी क्या होगा एल्फा, जैसे इंक्लाइन प्लेन में नहीं करते वेट, अगर यहाँ होता एम जी एम जी तो आप ये वाला एंगल हमेशा क्या ड्रॉ करते हो एल्फा, उसी तरीके से एम जी और ये एंगल एल्फा सेम है ठीक। एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ होगा कितना एम जी कॉस एल्फा, और एक इस तरफ होगा कितना एम जी साइन एल्फा, एम जी कॉस एल्फा एम जी साइन एल्फा ठीक है यहाँ तक। और क्योंकि ये इस तरीके से इस बॉब जो है वो थीटा एंगल पर इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो लेफ्ट और राइट की फोर्स ऊपर और नीचे की फोर्स शुड बी सेम, तो इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना एम जी इंटू कॉस एल्फा, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली टी साइन थीटा इज इक्वल टू ये दोनों फोर्सेस का सम, दैट इज एम ए नॉट प्लस एम जी इंटू साइन ऑफ एल्फा, इक्वेशन नंबर टू। टू को वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट प्लस एम जी इंटू साइन ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई कितना एम जी, एम 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 क्या हो गया कैंसल, तो यहां से टैन थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक ऐसा अरेंजमेंट गिवन है जो मैं अभी देने जा रहा हूं कि सपोज ये एक ब्लॉक है बी, दिस ब्लॉक इज बी एंड दिस इज ए, दिस इज ए दिस इज बी, यहां पर कुछ इस तरीके से ये लो, तो ये कुछ इस तरीके से ये अरेंजमेंट गिवन है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, सच दैट यहाँ से स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ से स्ट्रिंग आके एक पुली में से घूम के वापस इसको ज्वाइन कर रही है कुछ इस तरीके से, सच दैट यहाँ पर हम क्या फोर्स लगा रहे हैं एफ, ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है, इसका मास है 2m, इसका मास है 2m, और आपको ये बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगी इसमें, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगी, रादर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको प्रूव करना है कि एक्सेलेशन 3f डिवाइडेड बाई 13m होगी, ये क्वेश्चन है इसका, ये प्रूव करना है कि एक्सेलेशन इस क्वेश्चन में इसके इक्वल होगी।
देखो इसमें ये रूल शायद सबको याद होगा, जहां टेंशन डबल होती है वहां इन्फ्लेशन हाफ होती है, ठीक है? ऐसा किया हमने। सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग चल रही है, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन विल रिमेन सेम, मतलब यहां पर टेंशन टी एन टी, यहां पर टेंशन टी एन टी, यहां पर टेंशन टी एन टी। ये स्टेप सबको क्लियर है, ठीक है? हर दो बॉडीज के बीच में टी एन टी रहेगी, ठीक है यहां तक? और यहां पर टेंशन टू टी एंड टू टी, कोई डाउट इस? यहां की टेंशन टू टी टू टी, ठीक? ये पहला रूल सबको क्लियर है। आगे सपोज करो ब्लॉक बी मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ बी, एंड ब्लॉक ए मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ ए। आप सोचेंगे ये एक्सेलरेशन में फर्क कैसे आ गया, क्योंकि सिस्टम तो एक ही है, पूरे का पूरा अरेंजमेंट मूव कर रहा है। फर्क इसलिए आ गया क्योंकि ये स्ट्रिंग इधर से घूम के इधर आ रही है, और हमने ये रूल किया हुआ है कि स्ट्रिंग क्योंकि यहां से यहां घूम के आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाएगी, तो एक्सेलेरेशन में टू का फर्क आ जाएगा, ठीक? अब कैसे आएगा इसको देखते हैं। अगर सपोज करो मैं इस ब्लॉक बी की बात करता हूं और मैं बोलता हूं ये आगे जा रहा है, ये स्ट्रिंग का पार्ट डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि ये आगे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए ऑफ बी। स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन आगे जाएगा भी, सेम एक्सलेशन अटैच्ड है ना उसके साथ, ब्लॉक के साथ, और ये वाला पोर्शन भी इसके साथ अटैच्ड है, तो इसकी एक्सलेशन भी इस पोर्शन में क्या होगी, ए ऑफ बी होगी, ठीक हो गया? कोई डाउट इसमें? लेकिन जैसे ही आप यहां से इस पोर्शन में आओगे टेंशन हाफ हो गई, टेंशन हाफ होने की वजह से यहां एक्सलेशन क्या हो जाएगी, इस स्ट्रिंग की डबल हो जाएगी, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से स्लो मूव करेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि टेंशन हाफ हो गई तो एक्सेलरेशन डबल हो गई। अब यहां पर इस पोर्शन में देखते हैं, यहां पर जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए है। अब मुझे पता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये मूव कर रही है विद ए ऑफ बी, ए ऑफ बी ये जो पोर्शन है स्ट्रिंग का वो मूव कर रहा है विद टू इंटू ए ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ जो ए होगा वो इन दोनों का क्या होगा, एवरेज होगा। आपको याद है हम ऐसा क्वेश्चन किया करते थे, वो ये वाला, जब पुली मूव करती थी हम बोलते थे कि अगर ये एक्स वन या ए वन से इधर आ रहा है, ये ए टू से इधर आ रहा है, तो ये कितनी एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा, ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाई टू। स्ट्रिंग अगर राउंड घूम रही है तो एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब हाफ हो जाती है, इसके अंदर भी सेम है। तो इसके अंदर ये जितनी भी एक्सेलेरेशन यहाँ पे होगी, जितनी यहाँ पर होगी, एग्जैक्टली उसका एवरेज आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3ab डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आपको एक्सेलेरेशन ऑफ ए पता लग गया इन टर्म्स ऑफ बी, और आपको क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन ऑफ बी निकालनी है। बी ब्लॉक के ऊपर इक्वेशन बनाओ, जो बी ब्लॉक है या ए ब्लॉक के ऊपर इक्वेशन बना लो। चलो ए के ऊपर इक्वेशन क्या बनेगी, अगर ये टी तो ये टू टी, यहां पर भी कितना टू टी टू टी टू टी। इस ए ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एफ माइनस टू टी इज इक्वल टू, मास कितना है इसका 2m, और एक्सेलेरेशन कितनी है, ठीक है यहां तक? और इसके लिए जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी, सेकेंड इक्वेशन इसके लिए बनाएं, इधर देखना इसकी इक्वेशन बनाओ, यहां टेंशन कितनी है टी, यहां टेंशन कितनी है टू टी, तो टोटल टेंशन बी के ऊपर कितनी लग रही है 3t, और इसका मास कितना है 3m और 2m, और इन टू एक्सेलेरेशन ऑफ कितना बी, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 2m बाय 3 इन टू एक्सेलेरेशन ऑफ कितना बी, टी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ए बी। इस टी को यहां पुट कर देते हैं, एफ माइनस टू इन टू टी की जगह 2/3 एम इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज 2m, एक्सेलेरेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3/2, यहां पर आएगा 3/2 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ कितना बी, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ बी। यहां से सॉल्व करो, एक्सेलेरेशन ऑफ बी अगर सॉल्व करोगे चेक करो इतना आ रहा है आंसर, ठीक है यहां तक? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. यहां पर एक ब्लॉक है स्मॉल m, पुली, पुली से कुछ इस तरीके से ये स्ट्रिंग एक और पुली पे अटैच्ड है और फाइनली इस प्लैंक के साथ ही अटैच्ड है. ये पूरा अरेंजमेंट इसके साथ अटैच्ड है एंड दिस इज समथिंग फिक्स्ड. ये पूरा अरेंजमेंट ऐसे अटैच्ड है और ये जो एंगल है ये गिवन है 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री. इसका मास बड़ा एम है और इसमें जो छोटा एम है उसका मास 2 केजी है, बड़ा एम का मास 8 केजी है. आपको बताना है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगुलर वेज है, इज इक्वल टू व्हाट. तो आपको ये बताना है कि इनिशियल एक्सेलरेशन वेज की क्या होगी और इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल है. हिंट ये रहेगा छोटा एम नीचे आएगा, स्ट्रिंग टाइट होगी, इधर से ऊपर जाएगी, इधर से इधर आएगी तो कैपिटल एम राइट मूव करेगा. जब कैपिटल एम राइट मूव करेगा छोटे एम के ऊपर सूडो फोर्स एक्ट करेगी. कैपिटल एम मूव करेगा तो स्मॉल एम खुद तो मूव कर ही रहा है नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा से, साथ में सूडो फोर्स भी लगेगी. अब शुरू करना.
बोल रहे हो, तभी तो उसने इनिशियल एक्सप्रेशन बोला। वो कह रहे हैं कि जब ये चल पड़ेगा जब ये चल पड़ेगा विद सम एक्सलेशन और ये भी चलेगा, तो उस केस में रिलेटिव एक्सलेशन से कर सकते हैं। पर उसने इनिशियल एक्सलेशन पूछा है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये बोलेंगे कि लेटर सपोज ये नीचे जा रहा है विद एन एक्सलेशन ऑफ कैपिटल ए, लेटर सपोज। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो ए की स्ट्रिंग घूम के आ रही है, तो ये वेज आगे जाएगा विद एन एक्सलेशन ऑफ कैपिटल ए। पहला पॉइंट क्लियर है? अगर ये नीचे आएगा विद ए तो यही स्ट्रिंग घूम के इधर आ रही है, तो ये आगे जाएगा विद कैपिटल ए। ये वो नहीं है, इस तरीके स्ट्रिंग नहीं घूम रही, सिंपल। अगर घूम भी रही होती तो भी क्या था, दो ब्लॉक्स हैं और एक स्ट्रिंग है। ये क्वेश्चन वो नहीं है कि बीच में पुली भी है और टेंशन टूटी हो जाएगा तो एक्सलेशन हाफ होगा, वो तो केस ही नहीं है इसमें। ये तो वही केस है कि एक स्ट्रिंग घूम के इधर से इधर आ गई बस, तो एक्सलेशन विल रिमेन सेम। अब ये तो नहीं होता ना कि एक स्ट्रिंग अपने आप को, मान दो ब्लॉक के बीच में एक स्ट्रिंग है और एक तेज भाग रही है एक स्लो भाग रही है, तो हो नहीं सकता, तो एक ही एक्सलेशन मूव करेगी। दूसरा, इसके ऊपर क्या एक्ट करेगी, सूडो फोर्स। तो इसके ऊपर एक्ट करेगी पीछे की तरफ सूडो फोर्स एम इंटू कैपिटल ए, क्योंकि वेज इज मूविंग राइट विद एक्सलेशन ऑफ ए, तो सूडो फोर्स एम है। अब इसके अंदर ये 60 डिग्री है, तो उस केस में ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो सूडो फोर्स की जो एक्सलरेशन है वो कैपिटल ए इस तरफ है, एम को हटा देंगे तो एक्सलेशन इस तरफ है, तो इसका एक कंपोनेंट यहां एक्ट करेगा ए इंटू कितना, कॉस ऑफ 60 नीचे की तरफ। ठीक, तो यानी कि इसके अंदर एक कैपिटल ए इस तरफ है और ए कॉस 60 इस तरफ है। ठीक, तो नेट एक्सलरेशन की वैल्यू स्मॉल एम की कितनी हो जाएगी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए इंटू कॉस ऑफ कितना, 60, क्योंकि नीचे आ रही है विद कैपिटल ए और नीचे आ रही है विद कैपिटल ए कॉस 60, क्योंकि दो एक्सेलरेशन इस पे एक्ट कर रही है, एक तो खुद की ऊपर से सूडो फोर्स की वजह से। तो नेट एक्सेलरेशन इसकी जो आएगी छोटे एम की, लेट अस सपोज स्मॉल ए, ए प्लस ए इंटू कितना हाफ, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू ए बाय 2। तो स्मॉल एम की एक्सेलरेशन आप इसमें क्या करोगे, स्मॉल एम की एक्सेलरेशन इज 3a/2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, अब शुरू करो क्वेश्चन। ये अभी आएगा, वो तो शुरू होगा, तो आप बनाओगे बनाओगे वेट के कंपोनेंट्स तो बनाओगे बनाओगे, पर आपको इसकी एक्सलेशन चाहिए होगी, तो आप इसकी एक्सलेशन ए मत लेना, उसने बोला ना रिलेटिव लेना, तो रिलेटिव मींस क्योंकि स्मॉल वेज की वजह से भी एक्सलेशन होगी और इसकी खुद की भी एक्सलेशन होगी, तो आपको एक्सलेशन छोटे एम की 3a/2 लेनी है। सेम ही रहेगी वैसे, वो डिफरेंट पता है क्यों होगी, क्योंकि सूडो फोर्स की एक्सलेशन भी इसमें काउंट होगी। आप देखो ना, अगर ये मान लो मूव ना करता होता, चलो फिर तो मैं बोलता अभी कि एक्सलेशन ए है, ये तो मूव कर रहा है ना, तो सूडो फोर्स की एक्सलेशन भी नीचे लेके आएगी इसका एक कॉम्पोनेंट, और साथ में कैपिटल ए इसका खुद का तो है ही है।
फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, स्मॉल एम का सारी फोर्सेस देखो, स्मॉल एम कहाँ आ रहा है, नीचे, तो कौन सी फोर्स को नीचे लेके आ रही है, तो नीचे की फोर्स माइनस टेंशन इज एम इन टू ए, और कैपिटल एम के लिए बनाओ, इक्वेशन बनाओ। देखो मान लो मैं छोटा एम ब्लॉक हूँ, मान लो वेज मूव नहीं कर रहा, बस मेरे को स्लिप होते हुए नीचे आना है, तो मेरी एक्सेलरेशन कैपिटल ए है। अब सपोज करो वेज मूव कर रहा है और मैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नीचे आ रहा था, स्लिप होता हुआ, इंक्लाइन प्लेन के मूव करने की वजह से भी सूडो फोर्स मेरे पे एक्ट हुई और उसका एक कॉम्पोनेंट मुझे नीचे लगा स्टार्ट हो गया, तो मेरी एक्सेलरेशन ए तो वैसी थी अगर इंक्लाइन प्लेन मूव ना करता, और एक और सिक्सटी साथ में और भी ऐड हो गई, तो अब मैं तेजी से नीचे आऊंगा। इमेजिन करो आप एक बहुत स्मॉल इंसेक्ट है, कार के विंडशील्ड के आगे है, स्क्रीन के ऊपर है, वो हम कार चला रहे हैं, और सपोज वो नीचे स्लाइड करता हुआ सोचो नीचे आ रहा है, ऊपर से आपने कार को भी बहुत तेज पीछे की तरफ रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर रहे हो, तेज नहीं आगे नहीं भरना पीछे करना है, तो ठीक है ना, तो वही केस है, और तेज नीचे आएगा। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, सबसे पहले कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कैपिटल एम, कैपिटल एम के राइट की तरफ कितनी फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली टेंशन टी एक्ट करेगी, तो टेंशन टी एन टी एक्ट करेगी इसमें, तो टेंशन टी एक्ट करेगी। दूसरा इसके अंदर क्या एक्ट करेगा, इसमें छोटे मास का नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। देखो जो यहां पर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो एन होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन में एम जी कॉस थीटा क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे ही नहीं है, इंक्लाइन प्लेन तो मूविंग है, तो ये जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम के ऊपर एम जी कॉस थीटा तो लगाएगा लगाएगा, साथ में सूडो फोर्स का कंपोनेंट भी लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें चेंज हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा। तो मान लो इसका नॉर्मल रिएक्शन एन है जितना भी है, और ऑब्वियसली सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स किस पे लगी होगी, वेज पे भी लगी होगी, वेज के ऊपर फोर्स एन लगी होगी, तभी बदले में नॉर्मल रिएक्शन एन लगा होगा। तो ऐसे केस में ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, इसमें एन ले ली, एन है, टेंशन टी है, और ये जो एंगल है नॉर्मल रिएक्शन का ये कितना होने वाला है, 60, ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये वेट और वो सब जो हम ड्रॉ करते हैं, तो ये भी एंगल क्या होगा, 60। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होंगे, n इनटू कितना कॉस ऑफ 60 और इस तरफ n इनटू कितना साइन ऑफ 60। कहने का मतलब स्मॉल m कैपिटल m के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, नो डाउट कैपिटल m भी तो स्मॉल m के ऊपर लगा रहा है, तो जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम छोटा m का ड्रॉ करूंगा उसमें भी मैं नॉर्मल रिएक्शन लूंगा, लेकिन क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ से ये जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं और वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करती, कैपिटल एम पे भी एक्ट करती है और छोटे एम पे भी एक्ट करती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज होगा। ये पॉइंट क्लियर है, या मैं ऐसे इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, अगर दो मिनट आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, मान लो ये स्मॉल एम नहीं है, मान लो ये मैं हूं और मैं भागता हुआ नीचे आ रहा हूं, जब मैं भागता हुआ नीचे आऊंगा और सोचो ये वेज रेस्ट पे था और फ्रिक्शन है नहीं, तो ये वेज कहां आएगा, ये पीछे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जब ये मास नीचे आएगा तो कुछ जोर डलेगा ना इसके सरफेस के ऊपर, तो ये मास पीछे जाएगा, यानी कि ये पीछे किसी फोर्स से जा रहा होगा और वो फोर्स क्या होगी, इसमें n sin 60। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां पर, तो इस इक्वेशन को अभी हम दो मिनट बाद यूज करेंगे,
ये डायग्राम सबको समझ में आ गया। मैं साथ के साथ छोटे एम का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप और क्लियर हो जाए। तो ड्रॉ करो, इसमें जो स्मॉल एम है ये आपके पास स्मॉल एम, जो स्मॉल एम है उसको नीचे की तरफ, क्योंकि यहां पर क्या लग रही है, सूडो फोर्स कितनी एम ए, और ये एंगल कितना था 60, सूडो फोर्स और ये जो एंगल इंक्लाइन प्लेन का कितना था 60। तो अभी अभी डिस्कस किया कि ये वैल्यू कितनी है एम ए इंटू कॉस ऑफ कितना 60, वही सेम चीज है, सेम ड्रॉ कर रहा हूं, ए कॉस 60 की जगह एम ए कॉस 60, और इस तरफ इसका एक कॉम्पोनेंट एड करेगा एम ए इंटू साइन ऑफ कितना 60, और इसके ऊपर भी क्या करेगा नॉर्मल रिएक्शन एम, क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर है, एक नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर है, ठीक। और क्योंकि इसके अंदर ये दोनों सिस्टम मूव कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें एम जी कॉस अल्फा नहीं होगा, क्या होगा अभी बताता हूं। इसके लिए आप इसके वेट के कॉम्पोनेंट ड्रॉ कर लो, इसका वेट कितना है स्मॉल एम जी, ये एंगल भी ऑब्वियसली कितना बनेगा 60, तो एक कॉम्पोनेंट कितना एड करेगा एम जी इंटू कॉस ऑफ कितना 60, एम जी कॉस ऑफ 60, और इस केस में एम जी कॉस 60, और एक फोर्स यहां भी बनेगी एम जी साइन 60, और टेंशन कहां ड्रॉ करेंगे पीछे की तरफ, पॉइंट समझ में आ रहा है, टेंशन भी पीछे की तरफ, स्मॉल एम जी, एम जी कॉस 60, एम जी साइन 60, तो बनना ही बनना है, और एक एक्ट करेगी सूडो फोर्स एम में, सूडो फोर्स के कॉम्पोनेंट्स बनेंगे दो, ये इक्वेशन बनेगी। अब नॉर्मली अगर ये सिस्टम में नीचे वाला वेज मूव ना करता, जैसे नॉर्मली मेरे किसी भी क्वेश्चन में मूव नहीं करता होता, तो मैं क्या बोलता हूं एन इज इक्वल टू एम जी कॉस 60, लेकिन मूव करने की वजह से सूडो फोर्स की वजह से सूडो फोर्स का कॉम्पोनेंट इसमें ऐड हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी इसमें वो आएगी एन प्लस एम ए इंटू साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू एम जी इंटू कॉस ऑफ कितना 60। यहां से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस केस में विल चेंज, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस 60 नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन में एम जी कॉस 60 रहता है, पर इस केस में सूडो फोर्स का एक कॉम्पोनेंट ऐड होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन विल चेंज। इसके बाद ये इसके ऑपोजिट तो ये है ना यार, एम जी के तो कॉम्पोनेंट्स ले लिए हमने, ठीक है। आदर कोई डाउट है इसमें, हाँ लग रहा है एन लग रहा है, ये रहा एन, और छोटे ब्लॉक का भी एन लग रहा है, वो तो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे ना, रिएक्शन तो चेंज नहीं हो सकते, एन वन एन टू तो हो नहीं सकता, एन एंड एन ही रहेगा वो तो। तो ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन एक कॉम्पोनेंट इसको आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन इसके अंदर इसके इक्वल होगा। तो अब अगर इक्वेशन हम इसमें बनाएं तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनाएं इसके लिए फर्स्ट ब्लॉक के लिए, फर्स्ट ब्लॉक के आगे की तरफ, ये आगे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए, आगे जा रहा है विद ए, तो कौन इसको आगे लेके जा रहा है, एक टी आगे लेके जा रहा है, और कौन लेके जा रहा है एन साइन 60, टी तो है ही है साथ में एन साइन 60, तो यानी कि टी प्लस एन इंटू साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू बड़ा मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर वन। तो इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू कितना एक्सेलरेशन, ये वैल्यू आ गई। और जो स्मॉल एम है ये कहां आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ नेट एक्सेलरेशन स्मॉल ए, वेयर स्मॉल ए की वैल्यू हमने किसके इक्वल निकाली थी 3/2 टाइम्स कैपिटल ए, तो इसकी एक्सेलरेशन कैपिटल ए नहीं है, इसकी एक्सेलरेशन 3/2 कैपिटल ए है। तो जब ये नीचे आ रहा है तो कौन इसको नीचे लेके आ रहा है, स्मॉल एम जी साइन 60 प्लस एम ए इंटू कॉस ऑफ 60 है माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 3a/3/2 टाइम्स कैपिटल ए। तो t की वैल्यू यहां से उठा के आप यहां पुट करोगे एंड नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया, ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आएगा एम जी इंटू कितना कॉस ऑफ 60 माइनस एम ए इंटू कितना साइन ऑफ 60। नॉर्मल रिएक्शन को उठा के आप पुट करोगे ऊपर यहां पे और फिर वहां से सॉल्व करके आएगा टी, उस टी को उठा के कहां पुट करोगे नीचे, तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी कैपिटल ए की। तो कैपिटल ए का आंसर सॉल्व करके आप चेक कर लेना, ये आएगा मेथड किसमें पुट करना है इसमें।
याद रखना एक चीज कि जब भी इंक्लाइन प्लेन मूव करे तो नॉर्मल डायरेक्शन एन इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा कभी मत लेना, उस केस में नॉर्मल डायरेक्शन को सूडो फोर्स के साथ लेना। अगर ऊपर कैसे जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो ये गिवन है कि सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है कि लेट अस सपोज आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है एंड ये एक और इंक्लाइन प्लेन है, दो इंक्लाइन प्लेन्स हैं सच दैट एंगल दोनों का 30 डिग्री एंड 30 डिग्री है, इनके बीच में देयर इज अ बॉल या देयर इज अ सिलेंडर, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, देयर इज अ सिलेंडर, इनके बीच में देयर इज अ सिलेंडर एंड दिस प्लैंक इज मूविंग with you and this is moving with to you, ठीक। Question है velocity of cylinder निकालनी है आपको, you have to calculate velocity of cylinder कितनी होगी such that it remains in contact with two wedges, कि ये दो wedges के contact में रहे। आपको ये कैसे हो सकता है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, नीचे गिरेगा obviously, जब गिरेगा तो गिरेगा, वो तो पता ही है कि दो वेजेस तो दूर भाग जाएंगे, वो तो नीचे गिरेगा, पर जब तक वो कांटेक्ट में है तब तक ये इसके कांटेक्ट में रहे और ये इसके कांटेक्ट में भी रहे, तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर बतानी है क्या होगी, और ये रोल नहीं कर रहा, बस ये स्लाइड कर रहा है। क्वेश्चन में आया, सोचो जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ऑब्वियसली इसके कांटेक्ट में रहेगा, थोड़ी देर इसके कांटेक्ट में भी रहेगा, थोड़ा ये है कि वेज पीछे हो जाएगा, थोड़ा ये नीचे आ जाएगा, हाँ फिर ग्राउंड पे आ जाएगा, पर ग्राउंड पे आएगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मेरे को ये बताना है कि सिलेंडर दोनों वेजेस के जब तक नीचे वेजेस ऑपोजिट जा रहे हैं कॉन्टैक्ट में रहे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और इसका जो आंसर है इज अंडर रूट ऑफ 7 × u। एक्चुअली सिलेंडर बोल तो रहे हैं पर हमने शेप्स के ऊपर भी काम नहीं किया, हमारे लिए सिलेंडर हो बॉल हो या स्फीयर हो क्या फर्क पड़ता है, हम सारी फोर्सेस सेंटर से बनाएंगे, तो हम यहां अगर वेट बनाएंगे इसके सेंटर से बनाएंगे, फोर्सेस सारी इसके सेंटर से बनेंगी, यस। सूडो फोर्स नहीं हो सकती ना अभी इसमें, यू वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, हाँ नॉर्मल डायरेक्शन बनेंगे।
हिंट लिख लो, फोर्स से होएगा ही नहीं, वेलोसिटी से होएगा। लिखो हिंट, हिंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। वेलोसिटी कंपोनेंट, हिंट लिखो इसमें, वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सर्फेसेस, वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सर्फेसेस मस्ट रिमेन सेम, परपेंडिकुलर टू सर्फेसेस मस्ट रिमेन सेम फॉर सिलेंडर टू रिमेन, मस्ट रिमेन सेम फॉर सिलेंडर टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद टू एजेस, फॉर सिलेंडर टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद टू एजेस। तो वेलोसिटी कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू एजेस सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ना इसमें ये डिसाइड कर लो सेंडर मूव कैसे करेगा, नीचे गिरेगा, आगे जाएगा या टेढ़ा नीचे आएगा। हाँ, पहला पॉइंट बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो इस इंक्लाइन प्लेन है ना वैसे भी, तो ये जरूर इधर जा रहा है नो डाउट, बट ये है कि ये नीचे भी आ रहा होगा। तो यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी कहीं पर भी, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे वेक्टर होगा सच दैट इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे वी एक्स एंड वी वाई, क्योंकि हमने तो एक्स और वाई प्लेन में काम कर रहे हैं ना, तो हम निकाल लेंगे तो वी ऑब्वियसली, तो वी की वैल्यू नेट जो आएगी वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब मुझे आपको क्या बताना है, वी एक्स एंड वी वाई, ठीक है यहां तक? क्या पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक। तो अब इसमें सबसे पहली चीज इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम इस वेज की बात करेंगे पहले, इस वेज की। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं फिर से एक बार। सपोज ये वो वेज है एंड ये वेज कहां जा रहा है, ये वेज इस तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू। ये आपका एक सिलेंडर है जिसके ऊपर हम फोर्सेस को ड्रॉ करने वाले हैं, ये एक सिलेंडर है जिसको फोर्सेस, जिसके ऊपर फोर्सेस ड्रॉ करेंगे सच दैट ये वेज कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। नेक्स्ट इसकी वेलोसिटी एक वी एक्स कहां होगी, टुवर्ड्स राइट, और एक वेलोसिटी कहां होगी, नीचे की तरफ, कितना वी वाई। तो वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू वी एक्स एंड वी वाई हमने इसमें ड्रॉ कर लिया, तो ये वेज के साथ पीछे भी जा रहा है ऑब्वियसली यू। नेक्स्ट ये एंगल आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो एक काम करने वाले हैं इसमें हम, U के साथ ये जो एंगल बनेगा अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ऑब्वियस है ये एंगल भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ये सेम पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्शन है 30। तो U के दो कंपोनेंट्स होंगे U इनटू कितना, cos ऑफ 30, और इस तरफ क्या होगा, U इनटू कितना, sin ऑफ 30, U cos 30, U sin 30। ठीक है, यहां तक बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूं इसमें। मैं इस सरफेस के साथ, ये जो सरफेस है इसके साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखने वाला हूं वेलोसिटी के कितने हैं। तो उनमें एक कंपोनेंट तो ये निकल आया और ये यू का कंपोनेंट निकल आया। अब एक कंपोनेंट वी एक्स का निकलेगा, वी एक्स का कैसे निकलेगा, वी एक्स का कंपोनेंट निकालने के लिए जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये अगर एंगल 30 है तो ऑब्वियसली अगर मैं एक लाइन यहां ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा, ये 30 होगा तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये 60 होगा, ये 60 हो गया। तो वी एक्स का एक कॉम्पोनेंट यहां एक्ट करेगा कितना, वी ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ कितना, 60। तो वी एक्स इंटू कॉस ऑफ 60। ठीक है यहां तक? उसी तरीके से अगर ये वी वाई है और ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। वी वाई के भी कॉम्पोनेंट्स निकल के आएंगे, एक कॉम्पोनेंट यहां आएगा कितना, वी वाई इंटू कॉस ऑफ कितना, 30, और एक नीचे की तरफ आएगा वी वाई इंटू साइन ऑफ 30, जिसकी जरूरत नहीं मेरे को। मेरे को तो बस ये देखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी है कितने बन गए। तो मैंने, मेरे पास कुल मिला के तीन वेलोसिटीज थी, एक वी एक्स थी, एक वी वाई थी और एक यू थी। तो मैंने यू का एक कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मैंने वी एक्स का एक कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मैंने वी वाई का एक कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। मेरे को ये पता है कि ये ब्लॉक या ये जो सिलेंडर है ये कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है जैसे जैसे ये वेज पीछे मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू।
और रूल यही रहेगा कॉन्टैक्ट का ऐसे क्वेश्चंस में कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है, क्या लिखा है मैंने, जो नॉर्मल वेलोसिटीज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब कि वेलोसिटी यू तो वेज की वजह से है और ये वी वाई और वी एक्स तो सिलेंडर की वेलोसिटीज हैं, तो सिलेंडर के लिए नेट वेलोसिटी वी वाई इंटू कॉस ऑफ 30 माइनस वी एक्स इंटू कॉस ऑफ 60। तो इस वेलोसिटी में से जब इस वेलोसिटी को माइनस करूंगा तो नेट वेलोसिटी कहाँ आएगी, इस तरफ आएगी। और ये वेलोसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, जितनी वेज की वेलोसिटी है, सिलेंडर की वेलोसिटी एंड वेज की वेलोसिटी नॉर्मल, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। आप देखो ना एक मिनट के लिए, जैसे अगर सपोज करो ये एक ब्लॉक है, ठीक, मान लो ये यू के साथ इधर मूव कर रहा है, मैं चाहता हूं ये पेन भी इसके साथ कांटेक्ट में रहे, तो एक बात तो पक्की है, अगर इसकी वेलोसिटी यू है तो इसकी भी यू ही होनी चाहिए ताकि ये कांटेक्ट में रहे, ठीक। उसी तरीके से ये देखो, अगर मान लो ये यू के साथ नीचे आ रहा है और ये भी अगर यू के साथ नीचे आएगा तो ये फिर से किस में रहेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे। उसी तरीके से अगर ये इंक्लाइन प्लेन टेढ़ है और मुझे पता है कि ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो इसकी जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जब मैंने ये वाला केस लिया तो भी वेलोसिटी नॉर्मल ली, जब मैंने ये वाला केस लिया तो भी वेलोसिटी नॉर्मल ली, जब मैंने टेढ़ा लिया तो भी वेलोसिटी नॉर्मल ली। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी किसका, वेज का एंड सिलेंडर का, हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि अगर वेलोसिटी अनइक्वल हो गई तो हो सकता है कि सिलेंडर अपना कॉन्टैक्ट लूज कर जाए। तो ऐसे केस में अगर सिलेंडर या ये जो वेज है, वेज जो है वो इस तरफ आ रहा है लेकिन इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो अगर ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जो सिलेंडर के नीचे आने की वेलोसिटी यानी कि इसके अलोंग जो वेलोसिटी है इसके इक्वल हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट में रहेगा, यही इसकी कंडीशन बनेगी। मैं आपको एक और कंडीशन लगा के, चलो एक ऐसा करते हैं, मैं सेकेंड वेज के साथ भी लगा के दिखाता हूँ, फिर दोनों के एक बार फिर डिस्कस करते हैं। सेकेंड वेज की कंडीशन देखो, जो सेकेंड वेज है, सेकेंड वेज कहाँ जा रहा है, 2u के साथ आगे जा रहा है, ये आपका सिलेंडर है, जो सेकेंड वेज है ये 2u के साथ आगे जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी है, v y है, और इस तरफ कितनी है, v x है, ठीक। और अगर मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो केस है, अच्छा मैंने ये वाला बना उल्टा, इसके लिए सॉल्व कर रहे थे हम, मैं ये ड्रॉ कर देता हूं। तो इसके लिए आगे जाने की वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 यू है, और तो कोई वेलोसिटी नहीं नीचे जाने की, नहीं इसकी कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटीज यही बनेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये नॉर्मली, क्योंकि कॉन्टैक्ट में रहने का की कंडीशन ही कब ढूंढनी होती है, नॉर्मल के ऊपर ढूंढनी होती है, यहां और यहां, तो यहां की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए और ऐसी यहां की वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो यहां की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वी एक्स है और इसकी 2 यू है, तो कंडीशन आ गई वी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो सेकेंड वेज के साथ ये ब्लॉक किस पे, ये सिलेंडर किस पे रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा। फिर से, तो दोनों के साथ कॉन्टैक्ट में है ना, उसमें तो मैंने दोनों लिया, वो एक्चुअल में तो दोनों वेजेस के साथ मूव कर रही है ना, वेलोसिटी तो वी एक्स उसकी एक ही होगी ना, एक ही है, लेकिन इसने इसके कांटेक्ट में भी रहने हैं, इसने इसके कांटेक्ट में भी रहने हैं, तो इसकी कांटेक्ट की कंडीशन यहां से निकलेगी, इसकी कांटेक्ट की कंडीशन यहां से निकलेगी, तो वेलोसिटी वी यहां भी यूज होगी और यहां भी यूज होगी। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है कि एन और एन दो अलग अलग जगह पर यूज होगा, तो एक ही वेलोसिटी है, क्योंकि उसी वेलोसिटी को उसने इसके साथ भी यूज करना है, उसी वेलोसिटी को उसने इसके साथ भी यूज करना है, वेलोसिटी तो एक ही है, तो दोनों के साथ यूज करेंगे, कंडीशन तो दोनों के साथ ही निकलेगी। तो यहां से आपके पास वी एक्स इज इक्वल टू 2 यू, इसकी कंडीशन आ गई। आप एक काम कर सकते हो कि इस वी एक्स को उठा के आप यहां पुट कर दो, वी एक्स को उठा के यहां पुट कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, वी वाई आ जाएगा, क्योंकि यू की टर्म में आ जाएगा ना, तो यहां से सॉल्व करके वी वाई जो आ रहा है वो आ रहा है कोई √3 × u आ रहा है। वी एक्स हम निकाल चुके, वी वाई यू की टर्म में आ चुका, नेट जो v की वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स, वी एक्स का मतलब 2u का होल स्क्वायर प्लस वाई का मतलब √3u का होल स्क्वायर। यहां से आपके पास आंसर, अब पूछो।
ये कह रहे हैं हमें कि ये इससे बड़ा होगा। अच्छा चलो उल्टा मान लेते हैं, ये इससे बड़ा है तो कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, हवा में उछल जाएगी। वो तो हमने ये डिसाइड करना है ना कि वेज की वेलोसिटी, जैसे एग्जांपल दिया वेज की वेलोसिटी और इस ब्लॉक की वेलोसिटी शुड बी सेम। यू कंपोनेंट नहीं देखना, आपने ये नहीं कहना कि वो यू के साथ जा रहा है, आपने देखना है, आपने सरफेस देखनी है, क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट लूज नहीं करवाना, और कॉन्टैक्ट लूज ना करवाने का मतलब आप नॉर्मल सर्फेस देखोगे, तो नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटीज को सेम करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करो और ये मुझे लगता है कि हो जाएगा आपसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है कि सपोज देयर इज अ ब्लॉक ए रेस्ट पे प्लैंक है एंड देयर इज अ ब्लॉक बी, एक ए और एक बी, ये एक प्लैंक है, ये एक प्लैंक है, इसके ऊपर ये मैन है, ये अल्फा अल्फा फ्रिक्शन इसमें है, एक प्लैंक के ऊपर मैन ऊपर चढ़ना चाहता है और प्लैंक एकदम ए और बी के ऊपर जो है रेस्ट पे है, कभी भी गिर सकता है, वो फ्रिक्शन होनी जरूरी है, तो प्लैंक मैन वैसे स्लिप हो जाएगा प्लैंक के ऊपर से, तो फ्रिक्शन तो बनती है इसमें। प्लैंक और ए और बी के बीच बीच में नहीं होगी ना, उसमें तो होगी। अच्छा आप कहोगे वो वैसे स्लिप हो जाएगा प्लैंक, फ्रिक्शन नहीं होगी तो टिकेगा कैसे, टिकाना किसने है, वो तो अब बंदा भागेगा टिकाने के लिए, देखो कैसे। अब एक बात तो पक्की है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि ये सिचुएशन प्रैक्टिकली आप कर नहीं सकते क्योंकि आप प्लैंक को रखोगे प्लैंक ही गिर जाएगा, पर मान लो किसी तरीके से आपने ये सिचुएशन ला दी, जैसे छोड़ोगे प्लैंक नीचे गिर जाएगा, नो डाउट मैन तो नीचे गिरेगा गिरेगा, फ्रिक्शन है मैन और प्लैंक के बीच में। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि द प्लैंक कैन स्लाइड, ऑब्वियसली जो प्लैंक है प्लैंक का मास कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, तो ऑब्वियस है ये एम जी साइन अल्फा से नीचे आ जाएगा, जो प्लैंक है वो नीचे गिरेगा एम जी साइन अल्फा से नीचे गिरेगा। अब आपको ये बताना है द एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मैन स्मॉल एम, आपको बताना है कि स्मॉल एम मैन की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी एंड इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, कहां भागे ये मैन, सो दैट प्लैंक डज नॉट मूव, प्लैंक वहीं खड़ा रह गया बिना फ्रिक्शन के भी, ये आपको बताना है। और आंसर जो प्रूव करने रादर वो आना चाहिए जी इंटू साइन ऑफ एल्फा वन प्लस बड़ा एम बाय छोटा एम। अच्छा इसका एक आंसर आना चाहिए
कि मैन की डायरेक्शन अप होनी चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं अप होनी चाहिए? डाउन होएगी, डाउन होगी यार। जब आप एक मान लो जमीन पे प्लैंक है, फ्रिक्शन नहीं है, ट्रॉली है, जब आप आगे जाते हो ट्रॉली पीछे जाती है, और वो तो प्लैंक पहले नीचे गिरने को तैयार है, आप चाहते हो नीचे ना गिरे, तो मैन तरफ जा सकता। अब वो इतनी तेज भागे कि वो प्लैंक ऊपर की तरफ रुका रहे, बहुत तेज भाग जाएगा तो एक्सल ऊपर ऊपर भागना स्टार्ट, रुका रहे, कम से कम नीचे तो नहीं गिरेगा। तो एक बात तो पक्की है, ये मैन की डायरेक्शन कहां होगी? नीचे होगी। तो बताओ इसकी एक्सलेशन क्या होगी? हाँ, फ्रिक्शन कंसिडर करनी है मैन और प्लैंक के बीच में, अगर वो भी नहीं होगी तो फिर पैर कैसे टिकेगा, स्लिप ही हो जाएगा वो, तो फ्रिक्शन ही तो बचाएगी।
तो फिर देख लेते हैं, हो गया ठीक। देखो ब्लैक का मास कैपिटल एम, कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है? एम जी। मैन जब नीचे भागेगा तो प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ करेगी? ऊपर, ऊपर, जो इसको नीचे गिरने से रोकेगी। प्लैंक रेस्ट पे है तो एफ इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन ऑफ एल्फा। इक्वेशन नंबर वन क्लियर? ठीक। अब मैन जब प्लैंक के ऊपर नीचे की तरफ भाग रहा है तो इसकी अपनी फोर्स कितनी है? एम जी साइन एल्फा। और फ्रिक्शन हेल्प्स इन रनिंग। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो प्लैंक के ऊपर मैन स्लिप कर रहा है इसे तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगी, लेकिन अगर वो भाग रहा है तो फ्रिक्शन उसकी उसको हेल्प करेगी, तो फ्रिक्शन उसको आगे हेल्प करेगी। तभी तो मैंने प्लैंक की फ्रिक्शन कहां ड्रॉ की? पीछे। मैन की फ्रिक्शन आगे तो प्लैंक की पीछे। ठीक है यहां तक? मैन की पीछे आएगी, प्लैंक की पीछे आएगी, तो फिर इक्वल एंड ऑपोजिट न्यूटन का लॉ खराब हो जाएगा। फ्रिक्शन भागने में हेल्प करती है हम लोगों को, मैं कह रहा हूं जब भागते हैं करते हैं तो फ्रिक्शन आगे लगती है, पैर पीछे करने से फ्रिक्शन आगे लगती है। तो इस वजह से एम जी साइन एल्फा प्लस एफ इज मैन का मास इनटू मैन की एक्सेलरेशन। इस एफ को यहां से यहां पुट कर दो, एम जी साइन ऑफ एल्फा प्लस कैपिटल एम जी इनटू साइन ऑफ एल्फा स्मॉल एम इनटू ए, तो यहां से ए निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? लो, मुझे लगता है ये भी सॉल्व हो जाना चाहिए। सपोज ये आपके सामने एक मास एम है, ये भी एम है, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, फोर्स 2F लग रही है, इधर से फोर्स एफ लग रही है, फ्रिक्शन नीचे है नहीं, ये एंगल 30 डिग्री है। दो ब्लॉक्स हैं जिसकी एक शेप ट्रायंगल है और एक ऐसे ट्रेपेजियम सी है, दोनों को जोड़ा हुआ है, चिपके नहीं हुए बस ऐसे रखा हुआ है आसपास, या ट्वाइस को जैसे रख देते हैं, तो दो फोर्स लग रही है एफ एंड टू एफ, तो अल्टीमेटली ये मूव कहां करेगा? सिस्टम इस तरफ मूव करेगा, ये तो बात पक्की है। ठीक है, आपको ये बताना है द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन टू ब्लॉक्स इज व्हाट, इनके बीच में आपस में नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? आपको बताना है इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा। जैसे बी ने ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया एन, तो ए ने बी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया एन, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का आंसर आना चाहिए 3F। प्रूव करो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 3F। फोर्स कर देगी, पूरा का पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा है टुवर्ड राइट। हमने क्या किया,
हमने दो ब्लॉक्स की कॉन्टैक्ट फोर्स निकाली थी याद है क्लास में, पर प्रॉब्लम ये हमारे दो ब्लॉक सीधे होते थे, टीएनटी या एनएनएन सीधे होते थे, तो आसान था करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया करते थे। इसमें टेढ़ा है तो हो जाए टेढ़ा, क्या फर्क पड़ता है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2f माइनस f डिवाइडेड बाय m प्लस m, कितना है 2m। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो ये होगी, ये पॉइंट क्लियर है टुवर्ड लेफ्ट। हम एक काम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं किसका, ए का। तो इसको यहां फोर्स कितनी लग रही है एफ, और यहां नॉर्मल डायरेक्शन कितना लग रहा है एन, ये एंगल कितना है 30। अगर ये 30 है तो ये भी कितना है 30, ये 30। तो अगर एक वर्टिकल लाइन यहां ड्रॉ कर लें, ये 30 तो ये हो जाएगा 60, ये 60 तो ये हो जाएगा 30, 30 30 कॉरस्पॉन्डिंग 30 के साथ 60, 60 के साथ 30, ठीक है यहां तक। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा n इंटू कितना साइन ऑफ 30। देखो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा n cos 30, एक आएगा n sin 30, ठीक है यहां तक। और ये ब्लॉक कहां मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट ए, ठीक है यहां तक। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखना प्लीज, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक है f और a कितनी है n sin 30, तो n sin 30 माइनस f नेट फोर्स है लेफ्ट की तरफ मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, n इनटू 1 बाय 2 माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितनी है f डिवाइडेड बाय कितना 2m। सॉल्व कर लो n की वैल्यू क्या आ रही है 3m। अल्टीमेटली मूव तो ये हॉरिजॉन्टल कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखेंगे, तो कौन मूव करवा रहा है इसको n sin 30, समझ में आ रहा है यहां तक, n नहीं एनी एन साइन 30 कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। चाहे फ्री बॉडी डायग्राम बी से बना लो तो भी आंसर सेम है, किसके बी के, बी का नॉर्मल रिएक्शन ये बनाना पड़ेगा फिर, हाँ इसके साथ फिर एन ऑफ कॉस ऑफ 30 एन साइन 30, तो एन कॉस हाँ 2f माइनस करके आएगा, वो सेम आएगा, ठीक है यहां तक। चलो क्वेश्चन एक और है वो कर लो। देखो नेक्स्ट है, सपोज ये एक पुली है, यहां से एक और पुली है कुछ इस तरीके से, ठीक ये अरेंजमेंट है, तो यहां से रस्सी घूम के यहां पर आ रही है, क्वेश्चन है कि अगर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ए की वेलोसिटी वी ए है तो आपको बी की वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, या प्रूव करना है जो बी की वेलोसिटी है वो एक्स इंटू वी ए डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, वेयर एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब जैसे जैसे ऑब्वियसली ये इधर मूव करता जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो यानी कि किसी भी इंस्टेंट पर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर वी ए है तो उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है, अगर इस किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी ए है तो उसी इंस्टेंट पर वी भी कितना है, ऑब्वियसली वी ए चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा, वी ए क्यों चेंज होगा क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है, तो एक्स के साथ वी भी चेंज होता जाएगा, तो आपको बताना है या प्रूव करना है कि वेलोसिटी ऑफ बी इसके इक्वल है। स्ट्रिंग है वो इस पुली के सेंटर से अटैच्ड है कहीं पर ऐसे, इसे छोड़ दो ऐसे, इसके पीछे से अटैच्ड होगी,
यहां से घूम के ऐसे आ रही है, मतलब जब आप ऐसे खींचोगे स्ट्रिंग टाइट होगी तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये इस पे जोर पड़ेगा तो ये पुली मूव करेगी। पुली मूव कर सकती है, जैसे मूविंग पुली ऊपर जाएगा, ये पुली ऊपर जाएगी मेरे हिसाब से। आंसर देखो, इसके अंदर चाहे ये ब्लॉक जहां मर्जी जाए, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कभी चेंज नहीं होगी। जो एक चीज चेंज नहीं होगी वो क्या होगी, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग किसी भी इंस्टेंट पर है कितनी, इधर इधर देखो, इधर 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 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है। मान लो ये टोटल हाइट h गिवन ही है, मान लो किसी भी इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस कितना है, वाई है, ठीक है। तो बी बी का डिस्टेंस या बी काफी नीचे बन गया, दिस इज ऑलमोस्ट इसके साथ ही है, दिस इज वाई। अगर ये वाई है तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाला पोर्शन कितना हो गया, एच माइनस वाई, तो ये वाला भी कितना हो गया, एच माइनस वाई, ठीक। और ये कितने एच, ये कितने एक्स, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल इज टू इंटू एच माइनस वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ये लेंथ, ठीक, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन में जब एक स्ट्रिंग गिवन होती है और आपको एक की वेलोसिटी गिवन होती है, दूसरी की वेलोसिटी निकालनी होती है, कंस्ट्रेंट से सॉल्व होते हैं। आपको याद होगा कंस्ट्रेंट से हमने किया था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाल लेते थे और वो कॉन्स्टेंट होती थी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके डिफ्रेंशिएशन जीरो, टू इंटू डी बाई डी टी ऑफ, ऐसे कर लो एक स्टेप और कर लो, डी बाई डी टी ऑफ एल, इधर भी d by dt of h minus y plus d by dt of h square x square का अंडर रूट, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो d by dt of h minus d by dt of y plus half, इसके डिफ्रेंसिएशन इज h square x square होल रेस टू पावर माइनस हाफ इंटू d by dt of h square plus x square, डिफ्रेंशिएट कर दिया ऐसे। वेलोसिटी निकालनी है ना डिस्प्लेसमेंट की, dx by dt भी आ जाएगा अपने आप। जैसे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो h तो कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन जीरो। अब dy by dt देखो, इधर देखो y किसकी डिस्प्लेसमेंट है, b की, तो dy by dt आपको क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ b देगा प्लस हाफ एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी बाई डी टी ऑफ एच स्क्वायर, कॉन्स्टेंट जीरो, और एक्स स्क्वायर के लिए टू एक्स इंटू कितना, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है यहां तक। और डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी वी ए, वी ए का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो वी ए वी बी का क्या आ गया, रिलेशन आ गया। कंस्ट्रेंट में ऐसे होता है, कंस्ट्रेंट में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाल लो तो इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों की वेलोसिटीज आ जाएंगी आपके पास, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी, इस तरफ लेके आओगे 2vb इज इक्वल टू हाफ, रादर 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू कितना va, तो यहां से क्या निकालना है, va, तो va विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, आंसर में 2 नहीं आ रहा, आंसर में उसमें 2 नीचे आ रहा है मेरा, अच्छा vb निकालना है, सॉरी,
तो वी भी निकालना है, टू इधर चला गया, ठीक है, हो गया फिर तो प्रूफ, यही प्रूफ करना है। एक तो हमने कर लिया, देखते ही पता लग जाएगा, दूसरा ऑप्शन देख के पता लग जाएगा। ऑप्शन में ना x h गिवन होगा। अब आप ये सोचोगे कि मैं कैसे x का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लूँ। आपको अपने आप पता लगेगा कि वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालोगे, तो अपने आप कुछ दिनों के बाद पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लेट अस सपोज ये आपके पास एक पुली है, ये कैपिटल ए, ए वन, ए वन, यहां पे सपोज दिस इज बी एंड दिस इज मूविंग विद ए टू एट एन एंगल ऑफ थीटा, और आपको मुझे ये बताना है रिलेशन बिटवीन ए वन एंड ए टू। आंसर इज ए ऑप्शन है। कैसे पता लगा? टेस्ट में आया हुआ है, करवाया भी हुआ है, पहले तो नहीं पता था ना, एक दिन बस ऐसे ही पता लगता है, एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है। कैसे हमने किया हुआ है? हम इसका एक कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि ये ए टू है, इसका एक कंपोनेंट लेंगे, कितना, ए टू इंटू कॉस ऑफ, और स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक्सेलेरेशन की वैल्यूज क्या रहती है या वेलोसिटी की वैल्यूज क्या रहती है। चलो ठीक, डन, ऐसे किया था ना क्लास में। विजन सुन रही है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सपोज ये एक ब्लॉक है, 2m मास है, पुली, और दिस इज m मास, ठीक, ये सिस्टम कुछ ऐसे अटैच्ड है, पुली इसके ऊपर लगी हुई है, ये मास नीचे जाएगा, स्ट्रिंग टाइट होगी तो ये सिस्टम आगे मूव करेगा। सो 2m और m मास है, एक्सेलेरेशन ऑफ ये a ब्लॉक है, ये b ब्लॉक है, आपको निकालना है व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ b ब्लॉक, कितनी होगी इमीडिएटली जब सिस्टम को रिलीज किया रेस्ट से, और आंसर आना चाहिए g/3। एक्सेलेरेशन कितनी होगी आपको बताना है, ये भी हो सकता है। देखो ये नीचे मूव करेगा, ये पुली इसके साथ नहीं है, ये पुली इसके साथ है, तो
तो अगर ये मूव करेगा, पुली मूव कर जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? आप जोर लगाओगे, रस्सी तो है नहीं, होती नहीं है, तो दीवार से जो है बंधी हुई है, जोर लगाओगे टाइट होगी, तो ऑब्वियसली पुली जो है राइट मूव करेगी, तो ब्लॉक भी राइट मूव करेगा इससे। तो अगर ये ए के साथ नीचे जाएगा, दैट इज एम जी, यहाँ टेंशन क्या हो जाएगी, टी एंड टी, टी एंड टी, कुछ ऐसे टी एंड टी पेयर में, और ऑब्वियसली ये भी एक्सेलेरेशन ए के साथ राइट जाएगा, क्योंकि ये एम जब यहाँ लगेगा तो ये सिस्टम आगे मूव करेगा विद सेम एक्सेलेरेशन ए। तो स्मॉल एम के लिए इक्वेशन बनेगी एम जी माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, और बड़े ब्लॉक को कौन मूव करवा रहा है, टेंशन टी, हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो टी, तो टी इज इक्वल टू 2m इंटू कितना a, पुट कर दो एम जी माइनस 2m इंटू a, m इंटू a, एम जी इज इक्वल टू 3m इंटू a, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू g बाई 3।